होगी शुरू। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मम्मी का सामान पैक हो गया है और ये रही हमारी जिप्सी। तो ये पापा के फ्रेंड की जिप्सी है, तो इसको मैं कल लेके जाऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मैं और सुबह आया घूमने, घर के पास ही है, तो मैं सुसु करवाने लाया हूँ नोआ को। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैं कल लाफिंग लेने गया था। वे कमान, अब लगभग नोआ को आदत पड़ चुकी है रोड पे चलने की, अपना साइड से होके चल रहा है। चलो नोए चलो। तो आज शायद मैडम जी जा रही है घर और मैं तो अपना यहीं बैठूंगा 14 मील में ही, और ये लोग जाएंगे घर। मम्मी पापा का मुझे पता नहीं है, मम्मी पापा स्पीति जाएंगे, तो मेरा तो कोई पता नहीं होता मैं कब कहाँ भाग जाऊँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो आज की दिन की शुरुआत करते हैं, चलिए थोड़ा सा घुमा लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। तो लेट्स गो। नोआ देखो कितना बड़ा हो गया है। पापा के नोए, और मौसम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्यारी धूप लगी है और थोड़ा मतलब हल्के से बादल दिख रहे हैं। वैसे तो आज दिन भर पता नहीं कैसा मौसम रहेगा, अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा है। और ये दुनिया भर के पत्थर फेंके हुए, और यहाँ पे साइड में वो जो खोद के रखा हुआ है, यहाँ पे होटल बन रहा है। तो और जो पतली कुल में कल रात को मुझे पता लगा कि पतली कुल में हमारे वहाँ एक हॉस्पिटल बन रहा है, बहुत ही मतलब हाई फाई हॉस्पिटल बन रहा है। तो अगर और मतलब अब कुल्लू जाने की लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ ही टाइम में यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देंगे। पता नहीं कोई दिल्ली से कोई खोल रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल खोल रहे हैं। अब पता नहीं कौन है कौन नहीं, इसके बारे में मैं इतना जानता नहीं हूँ, तो अच्छी बात है, हमारे को भी नज़दीक हो जाएगा, वरना हमें कुल्लू भागना पड़ता है। जैसे कि आपको देखा ही है, कल हमने हरिहर पहुँचे हुए थे बुलकर, यहाँ से यहाँ से आपका हो गया कुल्लू 45 किलोमीटर जाना पड़ता है ना वे। तो अभी नोए को थोड़ी देर घुमा के फिर मैं जाऊँगा घर, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और शॉप भी ओपन करनी है। ओके शुरू। तो अभी हम अपना खाना पीना खा के फ्री हो गए, और मैंने सोचा कि नोआ को नहला देता हूँ। नोआ की हालत बहुत गंदी हो गई थी, ये कचरे में मुंह मारता रहता है, कभी कहाँ मिट्टी में, तो मैंने सोचा इसको नहला देता हूँ। अच्छा मुंह में बाद में मारना, मुंह पे बाद में डालना, बाकी का ये मुंह पे डालने से। हाँ यहाँ डालो मुंह पे, बाद में भी धुल जाएगा। A few moments later. Now wait. अब ब्रश मारेंगे नोआ को, फिर एकदम क्लीन हो जाएगा नोआ, बिल्कुल चम शाइन होगा। ठहरो नोआ, मैं अभी ब्रश लेके आता हूँ।
इस वाले ब्रश से मैं नोआ को साफ करूँगा क्योंकि नोआ के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। आप चलिए। अभी घर पर कोई भी नहीं है, सब खाली है भैया। अभी अपना अंदर बैठे हुए हैं, मैं बाहर बैठा हूँ और लाइट भी नहीं है। और गोलू बल्लू वगैरह अभी थोड़ी देर पहले निकल गए घर की और मैंने नोआ को नहला दिया है। तो मेरे हाथ गीले थे तो मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन वो लोग चले गए अभी थोड़ी देर पहले। तो अभी मम्मी पापा हॉस्पिटल गए हैं और मैं वेट कर रहा हूँ लाइट का। लाइट आएगी तो गाड़ी धोने के लिए। ऊपर से मुझे कॉल आई है, मेरा कस्टमर आ रहे हैं तो अभी थोड़ी देर में वो भी पहुँच जाएँगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। वो बोल रहे हैं बाल्टी बाल्टी से ही धो दो, अभी देखते हैं। और नल में पानी भी नहीं है, देखते हैं क्या होता है। अभी अपने पास आ गई है जिप्सी धुलने के लिए और मौसम भी ख़राब हो गया और बारिश होने वाली है तो देखते हैं। साथ में बारिश भी होगी और गाड़ी भी धुलेगी तो फटाफट से इसको धो लेते हैं। जैसे कि आपको सुनाई दे रहा होगा बादल गरज रहे हैं और मैडम जी तांदी पुल के पास पहुंच गए, वहाँ पे वो लोग लंच कर रहे थे। तो अभी मैं धो लेता हूँ इसको फटाफट, फिर उसके बाद मैं भी जाऊँगा लंच करने। और ये बाबूजी आज ही ना आया और इसने पूरा सब अपना फेस फूस ये वो सब गंदा हो गया। इसको नहलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है और अपने लिए सुरंग खोद रहा है ये। नवे चले ना, हो गया अब बहुत खेल लिया। चलो अच्छा 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 चल आगे चल। ओह बारिश शुरू हो गई है और मैं और नोआ, जैसे कि आपने देखा नोआ और मैं गए थे वॉशरूम, ले गया था मैं नोआ को और ये बाबूजी रेत में खेल रहे थे वहाँ पे। और मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रखा है, एकदम बढ़िया। जैसे कि आपको दिख रहा होगा रोड सारा गीला हो गया। और ये नोआ, अभी चलते हैं कुछ देखते हैं मम्मी ने कुछ बनाया है कि नहीं बनाया है। और मैडम जी वगैरह अभी पहुंचे नहीं हैं, अभी पता नहीं कहाँ पहुंचे होंगे। वैसे वो अभी फ़ोन करके पूछता हूँ कहाँ पहुंचे। तो अभी हम आए हैं पतली कुल और मैडम जी की स्कूटी ख़राब हो गई थी तो उसकी सर्विस करवाने आए हैं, तो थोड़ी देर में सर्विस हो जाएगी। और मैं थोड़ा सुबह सुबह में जल्दी में बिज़ी था क्योंकि पिछले कल मम्मी घर चली गई थी। तो अभी गाड़ी लेके आया हूँ और भैया को साथ में लाया हूँ अपने जो रेस्टोरेंट वाले हैं। तो अभी यहाँ TVS मार्केट में हूँ तो अभी स्कूटी ठीक करवा के फिर निकलते हैं घर की। और शायद देखते हैं, अभी कुल्लू जाना पड़ेगा शायद मम्मी को लेने। कल मम्मी बस में गई थी, कल मैं गया नहीं था छोड़ने। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर में निकलेंगे कुल्लू की तरफ। तो स्कूटी अपनी रिपेयर होगी और भैया लेके आएंगे स्कूटी और मैं जाऊँगा गाड़ी लेके। तो अब आपसे मिलते हैं घर पहुँच कर। दोस्तों पहुँच गए घर और नोआ मुझे ज़बरदस्ती ऊपर ले आया। ये देखिए यहाँ बैठ के पता नहीं क्या खा रहा है, कुछ ना कुछ चाबता ही रहता है बैठ के। और स्कूटी हमने नीचे पार्क कर दी है और बस अब मैं नहाने जा रहा हूँ। तो अभी नहा लेते हैं फटाफट क्योंकि कुल्लू जाना है मम्मी को लेने, है ना नोए। कुल्लू जाएंगे मम्मी को लेने। आपको पता है कभी इधर भागे रहते हैं, खुद के पास टाइम नहीं होता है, कभी ये कर ले कभी वो कर ले। अभी मम्मी का फ़ोन आया था कि मुझे लेने आओ, तो मम्मी को चलना जाना 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 हाँ भाई ठीक है। तो हम जा रहे हैं अभी अपना शमशी मम्मी को लेने। तो अभी मैं और पापा जा रहे हैं मम्मी को लेने और नोआ ने तो भौंक भौंक के बुरा हाल कर दिया। बोल रहा है अकेले जा रहे हो, मुझे नहीं लेके जा रहे हो। अकेले ही जाएंगे क्योंकि नोआ को फिर डिक्की में ले जाना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पट्टी सुसु करवाना फिर थोड़ा
मुश्किल है क्योंकि हमने आना जाना ही करना, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तो इसीलिए फटाफट निकलते हैं। पापा भी आ गए, तो अब हम मिलते हैं आपसे शमशी में, देखते हैं शमशी में मम्मी के पास जाएंगे मतलब मम्मी के घर में जाएंगे या नहीं जाएंगे या बाहर से वापस आ जाएंगे, वो वहीं जाके देखते हैं पापा क्या बोलते हैं। अब निकलते हैं, लेट्स। Longer than a few minutes later. No way. Mother. Tang karke rakha hai. Bacha. Oi. तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि मम्मी का सामान पैक हो गया है और ये रही हमारी जिप्सी, तो ये पापा के फ्रेंड की जिप्सी है, तो इसको मैं कल लेके जाऊंगा काजा और नोआ को छोड़ेंगे हम यहीं, भैया के हवाले छोड़ेंगे नोआ को और हम जाएंगे जिप्सी लेके काजा कल, तो एक दो दिन के लिए आपने संभालना इसको नोआ को। तो ये हमारे नए क्या बोलते हैं मानवी ढाबा खोला हुआ है इन्होंने, तो ज़रूर विज़िट करें। तो ये वाली जिप्सी हम लेके जाएंगे कल। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, बाय बाय।